विनय जी क्या पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? क्या बीमा भारती जीतेंगी या 2010 से जीत रहा जेडीयू वहां पर फिर से जीतेगा? सवाल यह है कि बीमा भारती ने सिंबल छोड़ा है, तीर का साथ छोड़ करके लालटेन का साथ पकड़ा है, तो क्या माना जाए कि जीत बीमा भारती की होगी या जीत तीर की होगी जो कि पिछले 10 साल से दिखाई पड़ रही? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जहां तक रुपौली का सवाल है तो ये परंपरागत रूप से कह सकते हैं जदयू का सीट रहा, और ऐसा माना जाता है कि अति पिछड़े वोट पर जदयू का आज भी पकड़ है, नीतीश कुमार का आज भी सबसे ज्यादा पकड़ माना जाता है। ऐसे में जदयू ये सीट बचाना चाहेगी और क्षेत्र में एक मैसेज देना चाहेगी बिहार में कि ये आज भी हमारी पकड़ अति पिछड़ों में है, किसी के जाने आने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई नेता चला जाता है लेकिन हम पार्टी के पास वो वोट है, और इसी के लिए जदयू ने पूरी ताकत वहां झोंकने का काम किया है। और कलाधर मंडल को जदयू ने बहुत सोच समझ कर, जैसा कि आप जानते हैं नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है और जातिगत इंजीनियरिंग करने में भी वो माहिर है, किस तरह से किन जातियों का कहां से टिकट होना चाहिए इसके भी वो पारंगत है, और इसीलिए उस क्षेत्र में जो रुपौली में सबसे ज्यादा आबादी गंगोत जाति की, और उसी जाति से बीमा भारती भी आती है और उसी जाति से कलाधर मंडल भी आते हैं, ठीक है, वहां एक तीसरा कौन शंकर सिंह बना रहे हैं जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2005 में चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार लड़ते रहे, पराजित होते रहे, लेकिन वो संघर्ष का रास्ता शंकर सिंह भी अख्तियार करते रहे, तो इस समय ये वो तीसरा कौन बना रहे हैं? वैसे तो कुल 11 उम्मीदवार हैं रुपौली में और 10 जुलाई को मतदान होना है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच है, बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच। इसलिए जदयू पूरी ताकत के साथ पंचायत वाइज मॉनिटरिंग हो रहा है, हर पंचायत में किस जाति का कौन नेता प्रभावशाली होगा उस हिसाब से भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी भी, आप देखिए जब बीमा भारती और पप्पू यादव का संबंध अच्छा नहीं रहा लोकसभा चुनाव में, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे और पप्पू यादव चाहते थे कि हमको टिकट मिले इंडिया गठबंधन से, उनको टिकट नहीं मिला, अंत में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन बीमा भारती को पप्पू यादव के पास भेजा गया, इंडिया गठबंधन के नेता समझ रहे कि पप्पू यादव उस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है क्योंकि उस क्षेत्र के सांसद है, और पप्पू यादव पांचवी बार उस क्षेत्र से जीते हैं लोकसभा का चुनाव, तो पप्पू यादव कहीं कहीं चौथी बार, दो बार मधेपुरा से जीते हैं, तो पप्पू यादव उस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है, तो उनका उपयोग हो, अगर पप्पू यादव को खुलकर बीमा भारती के पक्ष में पप्पू यादव आ जाते तब तो बीमा भारती की स्थिति बेहतर हो जाती निश्चित रूप से, लेकिन पप्पू यादव कहीं न कहीं अभी भी तटस्थ भाव में है, अभी भी उस तरह से पूरा आशीर्वाद उन्होंने बीमा भारती को नहीं दिया है। कुछ लोग का मानना है कि भीतर भीतर ये चाहते हैं पप्पू यादव की शंकर सिंह वहां चुनाव जीत जाए, और कई लोग का तो ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय ही ये दोनों में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि आप हमको मदद करिए और हम आपको असेंबली चुनाव में मदद करें, ये भी बात कहीं न कहीं चल रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई है, और जदयू का अगर अपना वोट बेस जो है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो कई नेता कह रहे थे कि जो पिछला चुनाव हुआ लोकसभा में उस चुनाव में ये साबित हुआ कि नीतीश कुमार का वोट अभी भी इंटैक्ट है जो उनका वोट माना जाता है, अगर वो इंटैक्ट वोट बचाने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से जदयू के उम्मीदवार चलिए बना लेंगे। पर